के रूप में, जैसे हमने धर्म हमने निवेदन किया, फिर महानिवेदन किया, महाप्रयास के रूप में प्रयागराज में बेसिक शिक्षा निदेशालय पर महाप्रयास के रूप में हम लोगों को जाना है। सभी भाई बहन जो थर्ड वेटिंग लिस्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, थर्ड वेटिंग लिस्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जाएं और अपने प्रयास को सार्थक अंजाम देने के लिए वहां पर जरूर उपस्थित हों। दूसरी एक और चीज, किसी एक के कहने से ना लिस्ट आएगी ना लिस्ट रुकेगी। क्या रूप एमआरसी का होगा, क्या रूप मेरिट का रहेगा, ये कोई नहीं जानता। लिस्ट में क्या गड़बड़ियां थीं, क्या नहीं थीं, ये सिवाय सरकार के और विभाग के व्यक्तिगत जो जिम्मेदार लोग हैं उनके अलावा कोई नहीं जानता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के न हम खिलाफ हैं न किसी भी चीज़ के हम विरोध में हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि सबको अपने व्यक्तिगत और संवैधानिक अधिकार हैं। संविधान के दायरे में रह के कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसका एमआरसी से हक छीना गया है, तो उसके लिए ओपन रूप से कोर्ट खुले हुए हैं, वो जाए कोर्ट में अपनी बात रखे। अगर कोर्ट को लगेगा कि ऐसा है तो उन्हें हक जरूर मिलेगा, क्योंकि फेसबुक पर सोशल मीडिया पर हल्ला मचाने से किसी का ना तो कोई हक मारा जाएगा और ना किसी को कोई भी हक दिया जा सकता है। ये यथार्थ सत्य है और इस चीज को समझना होगा सब लोगों को। ठीक है, दूसरी चीज, सीटों की संख्या सिवाय विभाग के, सीटों की संख्या सिवाय विभाग के कोई नहीं जानता है। इसलिए सीट और गुणांक जैसे निरर्थक सवालों को पीछे छोड़ते हुए सब लोग आगे आए। जिनको लगता है कि मेरा हो जाएगा, जिनको लगता है कि मेरा हो जाएगा, वो लोग आगे आए। और जो अमित मैनपुरी, आर के सिंह कानपुर, आदर्श द्विवेदी भाई, कामेश्वर उपाध्याय और भी जो नाम हैं जो इस मुहिम में हिस्सा बने हैं 14 जून प्रयागराज वाली में, उनसे बात करें, उनको सपोर्ट करें और जाएं। क्योंकि अब देखिए अभी तक की स्थिति में 67.10 वाला कैंडिडेट, या मैं यूं कहूं 66.73 डीओबी के कारण बाहर हुए काना मोर्या कुशीनगर वाले, वो या कोई 61 पॉइंट लेके कुछ बैठा है या कोई 58 पॉइंट लेके अनसेलेक्टेड है, वो सब एक कैटेगरी में है और वो है बेरोजगार की कैटेगरी में। सब लोग, ये हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते कि काना मोर्या 66-73 है तो मतलब वो सिलेक्टेड है, नहीं, वो आज की डेट में काना मोर्या कुशीनगर वाले वो भी आज अनसेलेक्टेड हैं। साथियों समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे मैंने उनका नाम क्यों लिया, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर कोई हाई मेरिट है वेटिंग में तो वो काना मोर्या कुशीनगर वालों की है, जिनकी 66-73 है, और वो अगर 10 भी सीट खुली तो उनका हो जाएगा। मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी तक के उसमें कोई भी साथी जो वेटिंग कर रहा है, वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहा है, वो साथी अनसेलेक्टेड है। 1133 का मुद्दा विभाग ने सिर्फ बोला है, मंत्री जी ने कहीं मिल नहीं गई है, तो 1133 वाले भी इस चीज को ध्यान दें, अपना हक लेने के लिए वो भी आए। प्लस यूआर वाले, ओबीसी वाले, क्योंकि अभी किसी की कोई जाति नहीं है, सबकी एक ही जाति है, वो बेरोजगार जाति है, और बेरोजगार की बेरोजगारी का दंश सबसे बड़ा होता है। आज आप लोग जान चुके हैं इस चीज, आदेश पारित होते हैं सब लखनऊ से, लेकिन उनको क्रियान्वयन जो किया जाता है वो क्रियान्वयन किया जाता है प्रयागराज से। यानी प्रयागराज की जरूरत हमें तब पड़ती है जब लखनऊ से सारे आदेश हो जाएं, लेकिन लिस्ट नहीं हो। इसलिए एनआईसी से
NIC है वो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं डैम श्योर हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो NIC प्रयागराज में है और वहाँ प्रयागराज में ही हम लोग करेक्ट चीज़ों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर बड़ा अधिकारी जो लखनऊ में बैठ रहा है उसने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, वो किसी से मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रयागराज की तरफ ही कूच कर देना चाहिए और ये इसी बात में समझदारी है। तो जो भी साथी मेरी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है कि आप लोग आइए और प्रयागराज में बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने, जो मेरे साथ, क्योंकि मैं प्रयागराज 2 बार जा चुका हूँ, नागेंद्र भाई, सुमित कुशवाहा, पंकज यादव, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि 15 तारीख में ही आ जाए, लेकिन कल को ये ना हो कि अगर लिस्ट नहीं आई तो हम लोग ये ना कह सकें कि भाई मैं, अगर हम लोग 14 तारीख को मेहनत कर लेते तो शायद अगला वीक 14 के बाद जो है वो हमारा हो सकता था। बिल्कुल मंत्री की बात को कोई भरोसा नहीं है। मैं फिर सभी साथियों से आह्वान करता हूं कि भाई सब लोग एक मंच पे आइए, करिए, भाई यादव पवन जी, मैं कब कह रहा हूं कि रंजीत भाई ने मेहनत नहीं की है, रंजीत भाई ने बहुत मेहनत की है, कोई नहीं कर सकता इतनी मेहनत की है। कौन यहां पे बोल रहा है कि नहीं मेहनत की है? देखो सबके वो हुए थे कल आजाद समाज पार्टी बरेली में, आपने देखा होगा MRC वालों ने कितना हंगामा किया है। तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? आप लोग भी आ सकते हैं अपना हक लेने के लिए, किसी की बातों में ना आए। दूसरी चीज, अपना व्यक्तिगत निर्णय है ये, आपका व्यक्तिगत है, यहाँ कोई आपका 27% पूरा नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा, मेरी कलम में ताकत नहीं है, नहीं होती तो मैं कब का कर देता 27 का, मैं तो आपको 80 भी दे देता। अगर किसी का कोई बात हो तो वो पूछ सकता है, बाकी बिटियर करें और 14 जून को सभी लोग प्रयागराज जरूर पहुंचे, ठीक है? मैं सभी साथियों से एक बार फिर कह रहा हूं कि एक मंच पे आइए और लिस्ट निकलवाइए, आपस में अनर्गलन अलाप विलाप करने से कोई फायदा नहीं है। सब लोग साथ साथ आएंगे, जल्दी हम अपनी मकाम पर पहुंचेंगे। हमें ये ना लगे कि काश हम 14 जून को मेहनत कर ले गए होते तो शायद अगला 14 से 21 वाला है वो आता। हाँ, ये गारंटी है 14 जून को अगर सब लोग आ गए तो फिर गुड़ांग और मेरिट का क्या क्रम रहेगा, किस तरीके से मेरिट बनेगी, इस चीज के लिए भी वीडियो में 15 तारीख को फिर से लाइव आऊंगा। ये मेरी आपसे वायदा है, मेरिट लिस्ट को लेके और लिस्ट किस प्रकार बनेगी, मैं उस चीज पे फिर भी लाइव आऊंगा। 14 को आप हमें वहां पे सहयोग दो, फिर आपके सारे समाधान शंका का हम लोग, मैं अपने तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। सभी सिस्टर्स भी 14 को प्रयागराज पहुंचे, बिल्कुल सभी लोग पहुंचे, बिना 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 महिलाओं की भागीदारी के तो कोई भी प्रयोजन सफल नहीं हुआ है। तो सभी बहनें जो इस सेशन को देख रही हैं वो पहुंचे, और जो जिस उद्देश्य से हम जा रहे हैं, उम्मीद है कि वो उद्देश्य हम पूरा करके लौटे, ठीक है? क्योंकि आपने देख लिया, सबसे पहले ये सुनने में आ रहा था कि लिस्ट जो आएगी वो 8-9 तारीख में आएगी, जियो जो आएगा 15 के बाद काउंसलिंग प्रस्तावित है, लेकिन आपने देखा होगा आज 12 होगी, 12 तक ना जियो आया ना लिस्ट, 15 से कैसे काउंसलिंग प्रस्तावित होगी, किसकी बात? सभी साथी आए और अपने हक लेने के लिए वहां पे पहुंचे, ठीक है? साथियों, मैं अपना लाइव सेशन खत्म करता हूं। अगर कोई किसी भी साथियों को मेरे इस लाइव सेशन से ठेस पहुंची हो, या मैं किसी के लिए मेरा व्यवहार रूढ़ रहा हो, या आपकी भावनाओं और आपके सोच के अनुरूप मैं नहीं बोल पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी है। और सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टीका जरूर लगवाओ और प्रयागराज जरूर पहुँचो 14 जून समय सुबह 9 बजे महाप्रयास के रूप में।
धन्यवाद।